बिग बॉस OTT3 इन दिनों लोगों को काफी पसंद आ रहा है और इसी बीच अब अनिल कपूर के बिग बॉस OTT3 में तीसरा इवेक्शन हो गया है। जी हां, शो में आए नए ट्विस्ट के चलते एक्ट्रेस पोलोमी दास बिग बॉस के इस सीजन से बाहर हो गई हैं। दरअसल इस हफ्ते की शुरुआत में हुए नॉमिनेशन टास्क में 6 कंटेस्टेंट को घर से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट किया गया था और इस नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित के साथ रैपर नेजी, यूट्यूबर विशाल पांडे, पोलोमी दास, शिवानी कुमारी और मनीषा खटवानी का नाम शामिल था। बिग बॉस OTT की लाइव फीड में दिखाया गया है कि मेकर्स ने अचानक मिडवीक इवेक्शन की घोषणा करते हुए सभी कंटेस्टेंट्स को चौंका दिया है। बता दें कि बिग बॉस की तरफ से यह घोषणा की गई है कि जनता ने अब तक किए गए वोटों का ट्रेंड देखते हुए वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित, पोलोमी दास और मनीषा खटवानी कम वोट मिलने की वजह से बॉटम 3 में आ गए हैं और इनमें से कोई एक आज घर से बाहर होने वाला है। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि पोलोमी दास घर से बाहर हो चुकी हैं। आगे बिग बॉस कहते हैं कि बॉटम 3 में आए हुए कंटेस्टेंट को अगर घर वाले सुरक्षित करना चाहते हैं तो उन्हें गार्डन एरिया में लगाए हुए स्टेपर यानी कि एक्सरसाइज की मशीन पर चलना होगा। और जब मनीषा खटवानी बॉटम 3 से बॉटम 2 में आई तब लव और विशाल पांडे ने उन्हें एक एलिमिनेशन से बचाने का फैसला लिया। इसके साथ ही बिग बॉस की तरफ से जब घोषणा किया गया कि बॉटम 2 में मनीषा खटवानी और पोलोमी दास आ गए हैं तब बिग बॉस के दिए हुए एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए लवकेश कटारिया ने पोलोमी दास को शो से बाहर कर दिया। तो बड़ी खबर जो है वो बिग बॉस OTT सीजन 3 से सामने आई है जहां बताया गया है कि पोलोमी दास घर से बाहर हो गई हैं। दरअसल लव फिलहाल बिग बैश के घर में जनता का एजेंट और घर के भेदी बने हुए हैं। इस टाइटल के साथ बिग बॉस की तरफ से उन्हें कुछ अधिकार मिले हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सना सुल्तान और साई केतन राव को बिग बॉस की तरफ से ये अधिकार दिए गए थे लेकिन सना को इवेक्शन से बचाने के लिए साई ने अपने अधिकार का त्याग कर दिया था और अब मिडविक इवेक्शन जो है वो सामने आया है और बताया गया है कि इस बार जो है मिडविक इवेक्शन में पोलोमी दास वो घर से बाहर हो गई है।